हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोजो शब के हैं सिलसिले, हैं अजल से इनके नसीब में, हैं अजल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। साईं, दिलावर शाह और बीबी मोमल आए हैं। आज दिलावर शाह बाकी याद कैसे आ गए? अच्छा तू जा, जल्दी से जाके खाने पीने का बंदोबस्त कर, जल्दी जा। जी साईं जी। दीदी जी, सलाम जी, तेरा कैसी है जी? जी आप ठीक हो? अल्लाह तेरे नसीब अच्छा करे बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। आज माँ की याद कैसे आ गई? जीजी बहुत दिन हो गए थे, और फिर आपसे फोन पे वादा भी किया था, मुमल की कोर्ट की छुट्टियां भी होगी, तो मैंने कहा मैं मिलाऊं। भली आया बेटा, जी आया माँ की आँख, मगर अब तुम जाने की जल्दी ना करना। नहीं नहीं जीजी, मैं कम से कम 15 दिन आपके पास यहाँ रहूंगा। अरे बेटा, तू 15 साल भी मेरे पास रहे ना, तो माँ की आंखें देखते ना थकती। अच्छा बेटा, सफर से आया है, अब जाके नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर बातें करेंगे। ठीक है जी। जी जी बेटा, तुम भी जाके आराम करो, थकन दूर हो जाएगी। जी जी, मेरी थकन तो आपको देखते साथ ही दूर हो जाती है। हाँ, शहर में रह के मक्खन लगाना सीख गई है। जी जी, मक्खन भी तो आप ही भेजती है। क्या सोचा है तुमने दिलावर शाह, मुमल और मनोहर शाह की शादी के लिए? जी जी, अभी अभी कोई नतीजा नहीं निकाल सका। नतीजे पर पहुंचने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या मुमल की शादी कहीं और करने का सोचा है, या हमारे फैसले की अहमियत नहीं रही? नहीं नहीं जी जी, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन लेकिन क्या, खुलकर बात करें। जी जी, वो मनोहर शाह की करतूतों से डर लगता है, इसलिए कि वो बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर। ये मत भूलो के कादिर शाह तेरा भाई है, आज तेरी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा है। जी जी, कादिर शाह को मैंने तो नहीं कहा था कि वो मेरी वजह से कत्ल करता करे, उसने तो वो कत्ल अपनी मर्जी से किए हैं, इसलिए कि वो कादिर शाह के दुश्मन थे। लेकिन धमकी तो उन्होंने तुझे भी दी थी। जी जी, इलेक्शन के दिनों में ऐसा होता है, एक दूसरे को लोग धमकियां देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं यार धमकी देने वाले को हम कत्ल कर दें। तू इनकार करना चाहता है तो कर, लेकिन एक बात याद रख दिलावर शाह, अगर मुमल की शादी मनोहर शाह से नहीं हुई तो फिर किसी से नहीं होगी, उम्र भर कमारे बैठी रहेगी। जी जी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। शादी के लिए वक्त दे सकती हूँ, लेकिन मांगने के लिए नहीं। तुझे गोट से जाने से पहले मनोहर शाह के नाम की अंगूठी मुमल को पहनानी होगी।
ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मंगनी की अंगूठी पहना दें, लेकिन बिल्कुल सादगी के साथ। लेकिन शादी की तारीख मैं अपनी मर्जी से दूंगा। ठीक है, लेकिन अपनी माँ की जिंदगी में ही कर देना। जी जी, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं जरा जमीनों तक जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। जा बेटा, अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह के हवाले बेटा, अल्लाह के हवाले। मैं जैसे से आपसे मिलने आ रहा था, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं जमीनों पर जा रहा हूँ। तुम आजकल गोट में ही रहते हो? जी जैसे ही आजकल ज्यादा वक्त जो गांव में गुजरता है, जमीनों की देखभाल करनी पड़ती है और बाबा की कुछ जिम्मेदारियां हैं। कादिर शाह की तो बहुत जिम्मेदारियां, तुम कौन कौन सी जिम्मेदारी संभाल रहे? मेरा मतलब है चाचा साहब कि बाबा के ऊपर कुछ केस हैं, उस सिलसिले में वकील से मिलना पड़ता है, गाँव से कोर्ट जाना पड़ता है। चलो अच्छी बात है, कादिर शाह से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना, खुदा से जल्दी रिहाई नसीब कर। फिर रात को मुलाकात होती है, ठीक है? मुनव्वर शाह, आप? शुक्र है आप आज मिल तो गई। मैंने कई मर्तबा शहर में आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन कभी आप कोर्ट में, कभी अदालत में, कभी इधर। मुझे लगता है कि कराची के सारे केस आपके पास हैं। अगर कराची के सारे केस मेरे पास होते तो फिर आपका केस भी मेरे पास होता। लो तो इसका मतलब आप मुझे मुजरिम समझती है? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर मजाक की कोई वजह भी तो होगी। वजह तो है, मैंने सुना है कि आपके नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है, बात कम करते हैं, हाथ ज्यादा चलाते हैं, बल्कि किसी की छोटी सी गलती बर्दाश्त नहीं करते और भड़क जाते हैं। बस बस बस, बहुत सारी खूबियां गिनवा दी आपने मुमल। मैंने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है, बल्कि कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरे थप्पड़ के लिए गालियों कर देता हूँ। अच्छा? अरे तुम मजाक समझ रही हो? नहीं नहीं मुमल, क्या हकीकत? अपने आप को बदलने की वजह? बदलने की वजह तो है मुमल, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अभी मैं भी चीजी से मिल लूँ, मुझे उससे बात करनी है। दीदी मुमल आ रही हूँ। दिलावर शाह ने हामी भर ली है, वो शहर जाने से पहले तेरी और मुमल की मंगनी कर देगा। और हाँ, जब मुलाकात के लिए जाओ ना तो अपने बाप को ये खुशखबरी सुना देना। जिंदाबाद जी। जी जी, आधा काम तो आपने कर दिया है, बाकी आधा काम जी जी मैं अपना खुद करूंगा। फासले पता है ये किसका है? बताओ ना, ये किसके लिए बना रही हो? क्या किसी की शादी है? शादी नहीं, मंगनी है। अच्छा, मंगनी किसकी है? मंगनी बीबी साईं, अब आप बनो नहीं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हाँ भाई, मुझे नहीं पता, यकीन मानो मुझे नहीं, मैं नहीं जानती किसका है। बताओ आपके लिए और किसके लिए? मजाक मत करो। भला हमारी ऐसी जुरत कहाँ जो आपसे मजाक करे? परसों आपकी मुनव्वर शाह से मंगनी है। तुम्हें किसने बताया? जी जी ने। जी जी।
अच्छे मौके पर आई हो। तुम खुद भी आकर अपनी मंगनी का जोड़ा देखो जो खास तौर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। जी जी, मुझे आपसे कोई खास बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मेरी और अद्दा मुनव्वर शाह की मंगनी का फैसला किसने किया? लड़की लहजा बदल। मेरी किस्मत का फैसला मुझसे पूछे बगैर क्यों किया गया? ये इस घर की रीत है। बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला उनके बुजुर्ग ही करते हैं। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर। तुमसे किसने पूछा है कि तुम्हें ये फैसला मंजूर है कि नहीं? हम सिर्फ फैसला करते हैं। मंजूर करना उनके लिए फर्ज बन जाता है जिनके लिए हो। आप खान रिवायत की खातिर अपनी औलाद की खुशियां कुर्बान करना चाहती हैं? करियर बनाना चाहा, मैंने उसे भी नहीं रोका। मेरे अख्तियारात की जितनी हदें थी मैंने तुम्हें, लेकिन ये मेरे अख्तियार में नहीं है। हमारे घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह के फैसले किया करते हैं। आज तक हमारे खानदान की किसी लड़की ने बाहर शादी नहीं, इसीलिए तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला मुनव्वर शाह के साथ करना पड़ा। और अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी, जो मैं नहीं चाहता। मुनव्वर शाह के जीने के ढंग मुख्तलिफ है, मैं मानता हूं, लेकिन वो हमारे खानदान का लड़का है, फिर पढ़ा लिखा है, और अगर तुम कोशिश करोगी तो उसे अपने ढंग पर चलाने में कामयाब। देखो बेटी, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, सिर्फ मंगनी है। तुमने जो अपने करियर के बारे में फैसले किए हैं वो पूरे करो। तुम 12 लाख करने बाहर जाना चाहती हो, जाओ। और फिर जब तुम कहोगे तब तुम्हारी शादी। ये मेरा तुमसे बात है, ठीक? लेकिन एक बात याद रखो दिलावर शाह, अगर मुनव्वर की शादी मुनव्वर शाह से नहीं हुई तो फिर किसी से नहीं होगी। उम्र भर कवारे बैठी रहेगी, उम्र भर कवारे बैठी रहेगी। ये खबर तुमने अच्छी सुनाई मुनव्वर शाह, काश तेरी मंगनी के मौके पर मैं भी बाहर होता। आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे बाबा साईं। मैंने गवाहों को तोड़ मोड़ दिया है और वकील साहब कह रहे थे कि बस एक दो पेशी के बाद आप बाहर आ जाएंगे। मैं बाहर आऊंगा तो फिर देखना कि तेरे मंगनी का जश्न कैसे मनाता हूं। ये बताओ जीजी कैसी है? बहुत अच्छी है बाबा साईं, आपको बहुत दुआएं देती है। और बाबा साईं, जीजी के दबाव की वजह से ही तो चाचा साईं जो है वो मंगनी पे राजी हुए हैं।
रजामंद तो उसने होना ही था क्योंकि ये बचपन में मंगनी हुई है। वैसे तुम्हारी मंगनी कब है? कल से। कल? बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा दीदी मुबारक हो। खैर मुबारक खैर मुबारक। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे बेटा। आमीन। सारी जिंदगी खुशियां बनाओ। अल्लाह नसीब करे मेरी बच्ची। बेटा आप जीजी से मिल लीं? जी मैंने तो मिल लिया है लेकिन अब आप मिल लीजिए। अच्छा मैं मिलकर अभी आ। मीरू बच्चन कहाँ हो तुम दोनों? तो ये दोनों पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हेलो उमर, मुझे मैं तुम्हें याद कर रहा था। ले नसीब, काश फोन के बजाय तुम मेरे सामने होते। क्या बात है उमर, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात तो सुन रही हो ना? जी। तुम्हारी जी में भी मुझे नाराजगी महसूस हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, तुम इसीलिए नाराज हो कि मैं तुम्हें और चाचा को बताए बगैर कराची आ गया। मुगल क्या करूं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से आना पड़ा। देखो तुम फिक्र ना करो, मैं बस शाम होते ही इंशाल्लाह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ ना करें, हम आज ही वापस जा रहे हैं। मुमल इतनी जल्दी भी क्या है, अगर चंद दिन और रुक जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। तुझे गांव में अच्छा रहना नहीं लगता? क्या अच्छा क्या बुरा नहीं लगता ये तो शादी के बाद तुम्हें मुमल पता चलेगा। मुझसे बेरुखी, मैं तो तूफानों का रुख मोड़ देता हूं मुबर, क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा। उसी रोज से मुमल खामोश खामोश रहने लगी और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, यहां तक के मेरे साथ भी नहीं। वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी।
कोर्ट की वेकेशन खत्म हुई तो वो पहला दिन था जब मुमल ऑफिस गई थी। इत्तेफाक से मुनव्वर शाह भी वहां किसी काम से गया हुआ था और उसने मुमल को आसिफ के साथ देख लिया। मुझे पता चला कि तुम गांव में क्यों नहीं रहना चाहती। वकालत के आड़ में इश्क हो रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मुमल। तुम मेरे आताब से नहीं बच सकती क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा। मुझे ऑफिस जाने के बजाय यहाँ क्यों ले आए? रास्ते भर तुम खामोश खामोश रही। आखिर बात क्या है? अदालत में भी केस चलाने के बजाय तुमने तारीख ले ली। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब क्यों नहीं देती? जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात का जवाब दे। हर बात का नहीं, सिर्फ एक बात का। और ये मेरा हक भी बनता है तुम्हारा
कोलीग होने के नाते तुम आखिर चुपचाप क्यों हो? जैसे वक्त सदा एक सा नहीं रहता, इस तरह इंसान का मूड भी एक सा नहीं होता। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खामोश रहूं। तुम बताना नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी, वैसे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो फिर इसे पर्दे ही में रहते, तुम क्यों बिलावजा टेंशन ले रहे हो? बिलावजा? तुम्हें टेंशन में देखकर मुझे टेंशन हो जाना बिलावजा है? तो ठीक है, आइंदा मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। नाराज हो आसिफ, मेरी मुश्किल को समझो, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करता। सनम, 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 साईं, बेगम साहब तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? मुझे क्या पता, मुझे बता के थोड़ी गई है, मैं तो नौकर हूँ। बकवास बंद करो, कब गई है वो? 2-3 घंटे हो गए। कहाँ गई होगी? सही, हो सकता है फिल्म देखने गई हूँ, हो सकता है कोई ड्रामा देखने गई हूँ, हो सकता है ब्यूटी पार्लर गई हो। मैंने तुमसे कोई तफसील पूछी है? सही, अभी तो पूछ रहे थे कि कब गई है। मैं अपने आप से बात कर रहा था। सही, अपने आप से बातें करना बहुत खतरनाक है। मेरी माँ ने तो किसी डॉक्टर को दिखा। बकवास बंद करो। हर अच्छी बात पे आप कहते हैं बकवास, बंद करो। क्या तुम्हें यहाँ कौन लाया है? बेगम साहब। कहाँ से आए हो? शिकारपुर से। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, तुम जाओ चाय लेकर आओ। आए हो अभी, बैठो तो सही, चाय की बातें जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे आप कब आए? पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी? मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, कुछ सर्विसेज लेनी थी। मगर आपका मूड क्यों ऑफ है? इसीलिए सनम कि आज मैंने मुमल को अपने आशिक के साथ देखा है। तो इसमें मूड ऑफ करने की क्या बात है? वैसे भी आपको मोमल से नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत। ये तो ठीक है सनम, लेकिन जिस चीज पर हमारी मोहर लग जाए उस पर किसी और की नजर पड़े, ये हम बर्दाश्त नहीं करते। शादी से पहले तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ना तो मैं ये खेल बिगड़ने दूंगा और ना ही किसी को खेलने दूंगा, क्योंकि सनम मुनव्वर शाह नाम है मेरा। अरे मुमल, आज ऑफिस नहीं गई, क्या हुआ? गई थी बाबा जान, लेकिन कोई केस नहीं चला और मैंने भी चलाने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों किया? बाबा साईं, मैंने तैयारी नहीं की थी। मैं समझता हूँ बेटा, तुम्हारी कैफियत मेरे फैसले की वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन मुनव्वर शाह के साथ तुम्हारी मंगनी टल नहीं सकती थी, और जो चीज न टल सके उसके साथ समझौता करना पड़ता है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी अब समझौता कर लेना चाहिए। वालेकुम सलाम। मुनव्वर शाह आओ बैठो। थैंक यू जी। क्या हाल है? बस ऐसा ही, सब ठीक है। अच्छा जी जी, कैसी? बहुत अच्छी है। और जाजा से आपको सलाम कह रही थी। बस वो ठीक है, जाजा से वकील बदलने के लिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि वो उसकी जमानत नहीं करा सका, इसीलिए मैं एक बड़े वकील के ऑफिस गया था। और अच्छा, जैसे मुमल को मैंने वहीं देखा था। हाँ मुमल आज ऑफिस गई थी। लेकिन मुमल को ऑफिस नहीं जाना चाहिए, उसे क्या जरूरत है कि वो छोटे मोटे वकीलों के साथ घूमे फिरे? जैसे आपकी पोजीशन है और पोजीशन के साथ एक सियासी साख भी है, और मैं नहीं चाहता कि लोग इधर उधर की बातें करें। मनोहर शाह, मैं समझता हूँ तुम कहना क्या चाहते हो,
लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है। नहीं चाचा जी, मैं मुमल के कैरेक्टर पर शक नहीं कर रहा। हाँ, तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे अख्तियारात का दायरा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसके बारे में सोचो। चाचा जी, मैं गुस्तागी की माफी चाहता हूँ। दायरा बड़ा नहीं, लेकिन बंद तो गया है, और मैं नहीं चाहता कि मुमल वकालत करे। मैंने उसको जबान दी है कि वो वकालत भी करेगी, और अगर 12 लाख करने के लिए बाहर जाना पड़ा तो हो जाएगी। आप सोच रहे चाचा सही, इस बात की मुखालफत तो जीजी और बाबा साहब भी करेंगे। आगे आपकी मर्जी। वापिस कहीं और ज्वाइन कर रही हो? नो सर, मैं वकालत छोड़ रही हूँ। वकालत ही छोड़ रही हो, मगर क्यों? तुम्हारा करियर इसमें बहुत अच्छा है। नो सर, मेरी कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है, मुझे बताओ। सॉरी सर, मैं आपको नहीं बता सकती। प्लीज आप मेरा रिजाइन मंजूर कर लीजिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरा एक मशवरा है तुम्हें, ठंडे दिमाग से सोचो, जज्बाती फैसला मत करो। तुम बहुत बुलंदी पर जा सकती हो और एक अच्छी कानूनदान बन सकती हो। थैंक यू सर, मैंने ये सोच समझ के फैसला किया है। सर, अचानक मैं अपनी जिम्मेदारियों से हट रही हूँ, इसलिए माफी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। आसिफ, तुम जरा अंदर आओ। जी सर। आसिफ, तुम बता सकते हो कि मोमल ने रिजाइन क्यों किया? क्या रिजाइन? हाँ, ये अभी अभी अपना रेजिग्नेशन मुझे देके गई है। सॉरी सर, मैं आपसे फिर बात करता हूं। बात सुनो मोमल। क्या हुआ आसिफ, मोमल ने रिजाइन की वजह बताई? वो मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी लेकर चली गई। वो कल भी बहुत डिप्रेस थी, समझ में नहीं आता कि बात क्या है। ठीक है, मैं शाह साहब से बात करता हूं, वो ही कुछ बता सकते हैं सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। मोमल किस वक्त आई? सही, काफी देर हो गई आई हूँ। काफी देर हो, इसका मतलब है कि अदालत से आज भी जल्दी आ गई।
जी बाबा साहब आप बेटी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया नहीं बाबा साहब आपका आपका मेरे कमरे में आना है वाइसर अहमद है क्या बात है यार तुम दफ्तर से इतनी जल्दी घर वापस आ गए तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जी बाबा साहब मैं बिल्कुल ठीक मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है इसलिए कि जब से तुम गोट से वापस आई हो न मैंने तुम्हारी हंसी की आवाज सुनी है न तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी है लगता है तुमने मेरा फैसला दिल से कबूल नहीं किया नहीं बाबा सिंह आपका हर फैसला मेरी सर आंखों पर आप मेरी फिक्र मत कीजिए मैं बहुत खुश हूं बहुत खुश देखो बेटा ये फैसला मैंने दानिशा किया था इसलिए कि मैं ये फैसला करने पर मजबूर था अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना ऐसा मत कहिए बाबा साहब मुझे अपना दुख नहीं मुझे आपकी फिक्र है आप ये फैसला करके मुझसे ज्यादा परेशान है बेटा मेरी परेशानी और मेरी खुशी दोनों ही तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगा तुम दुखी होगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कि मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम तक खत्म अल्लाह आपको लंबी उम्र दे बाबा साहब आप परेशान ना रहा करें तुम अगर चाहती हो कि मैं परेशान ना रहूं तो खुश रहना पड़ेगा आई प्रॉमिस बाबा साहब आज की बात आपको इन आंखों में आंसू नहीं ये जो रात दिन की है गर्दिशें ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले ये जो रात दिन की है गर्दिशें ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले हैं अजल से इनके नसीब में है अजल से इनके नसीब में वही सदा सदा के ये फैसले